नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज हम बात करेंगे निवेशकों के बारे में। घर खरीदारों के लिए तो लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। प्रॉपर्टी की कीमतों में भी गिरावट आ रही है और आगे भी इनके दाम लुढ़कने के आसार हैं। इस साल दिल्ली एनसीआर में 1.5 लाख नए घरों की सप्लाई आ जाएगी, जिससे घर खरीदने का सपना आसानी से पूरा हो सकता है। इससे निवेशकों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर निवेशक रेजिडेंशियल को छोड़कर कमर्शियल प्रॉपर्टी का दामन थाम लें तो उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हासिल हो सकता है। रेजिडेंशियल में डिमांड से ज्यादा है सप्लाई, मकानों की कीमतों में कमी के हैं आसार। एंड यूजर को मिलेगा फायदा, निवेशकों को होगा नुकसान। क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश देगा मुनाफा? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। मकान.com के सर्वे के मुताबिक सितंबर 2012 के मुकाबले दिसंबर 2012 तक प्रॉपर्टी के दाम 10% तक कम हो चुके हैं। ये खबर पहली बार घर खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए राहत का पैगाम लेकर आई है। डेवलपर्स भी मानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में घरों की कीमतें दबाव में हैं और कई इलाकों में ये कम भी हो चुकी है। जिन जगहों में दाम आउट ऑफ हैंड चले गए थे, आउट ऑफ जब वो बढ़ते 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 व्हेन दे इंक्रीज मोर देन अफोर्डेबिलिटी, तो वाजिब है या तो समय निकलेगा या प्राइसेस गिरेंगी। तो उधर तो डेफिनेटली करेक्शंस हुआ है, जैसे दिल्ली के मेन दिल्ली में करेक्शंस हुए हैं। एंड यूजर की ये खुशखबरी निवेशकों के लिए मायूसी का संदेश लेकर आई है। निवेशक परेशान है कि आखिर मंदी के इस दौर में वो पैसा कहाँ लगाएं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों का मानना है कि अब बारी कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करने की है। इस साल रिटेल में FDI के लागू होने की पूरी उम्मीद है, जिस वजह से कमर्शियल प्रॉपर्टी मुनाफा देने का दम रखती है। जो सबसे ज्यादा कारण होता है अर्बनाइजेशन का, वो रेजिडेंशियल प्रमोट करने का होता है। तो जो रेजिडेंशियल की मात्रा है वो कमर्शियल से कहीं ज्यादा होती है इनिशियली, पर जब पूरी सिटी डेवलप हो जाती है तो कमर्शियल बहुत कम मात्रा में रहता है, तो उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगी। और उसके अलावा कमर्शियल के अंदर जो रिटर्न है वो 6-12% है, रेजिडेंशियल के अंदर जो रेंटल रिटर्न है वो 2-3% है। तो लॉन्ग टर्म में कमर्शियल होना आपके लिए रेगुलर इनकम के लिए और सेफ्टी के लिए ज्यादा एडवाइजेबल। उम्मीदों का ये दरिया पानी से लबालब भी होने लगा है। RICS की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर दिसंबर 2012 के तिमाही में कमर्शियल प्रॉपर्टी और ऑफिस स्पेस में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से भारत दुनिया में 9वें नंबर पर पहुंच गया। इससे पहले यानी 2012 की तीसरी तिमाही में भारत दुनिया में कमर्शियल प्रॉपर्टी में 19वें नंबर पर था। RICS की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 की आखिरी तिमाही में भारत ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसे में अंदाजा लगाना बेहद आसान है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी 2013 में मुनाफा देने में कामयाब हो सकती है। 2012 में देसी कमर्शियल सेक्टर के खराब प्रदर्शन के बाद इस साल यहां से काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश कहां किया जाए। अगर आपके पास बजट की कमी नहीं है तो फिर गुड़गांव के सोहना रोड जैसे इलाकों में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। देखिए, कमर्शियल मार्केट पिछले तकरीबन 2 साल से बहुत अच्छा चल रहा है। काफी कंपनीज गुड़गांव में आई हैं, आईटी सेक्टर में भी और नॉन आईटी सेक्टर में भी। रिटेल की कंपनियां के आने के बाद सोना रोड जैसी जगहों पे आप देखेंगे, शॉपर स्टॉप ने यहाँ पे जगह ली है, बिग बाजार ने हमारे से जगह ली है। सोना, जहाँ तक सोना रोड का सवाल है पर्टिकुलरली, सबसे ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी है, सबसे ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे 6 लेन ऑलरेडी कर चुके हैं उसको, और करीब 10-15 हज़ार अपार्टमेंट है जिनकी डिलीवरी हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ, लोग रह रहे हैं, आईटी पार्क्स एस्टेब्लिश्ड हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज कैप जेमिनी, एयरसेल, बहुत अच्छी मल्टीनेशनल और आईटी कंपनीज वहाँ पे ऑलरेडी मूव इन कर चुकी हैं। रियल एस्टेट की युवा पीढ़ी की बात की जाए तो उनका भी मानना है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में अब दम नजर आ रहा है। कमर्शियल रिटर्न ज्यादा देता है, रेजिडेंशियल आपको सेफ गार्ड जरूर कर जाता है। एक बड़ी अच्छी कहावत मैंने सुनी थी किसी से कि अगर शेयर होल्डिंग में भी शेयर मार्केट में भी कभी जाओ तो अपनी एज का 100 में से माइनस करके डेट में लगाओ और रिस्क उतनी लो जितनी आपकी 100 में से माइनस बच के आ जाता है। तो सिमिलर वही मैं पोर्टफोलियो कहूंगा कि हाँ, कमर्शियल आपको रिस्क ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा ही देता है। इन तमाम दिग्गजों की बातों को सुनकर कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश का इरादा तो बनाया जा सकता है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए लोन नहीं मिलता और इसकी कीमत भी ज्यादा है तो कैसे इससे मुनाफा कमाने के लिए विकल्प तलाशे जाएं? तो प्रॉपर्टी